म्यूजिक की दुनिया के टॉप अवार्ड्स माने जाने वाले ग्रैमी अवार्ड्स 2023 को 5 फरवरी को अमेरिका के लॉस एंजलिस में होस्ट किया गया, जहां भारतीय संगीतकार रिकी केज ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। बेंगलुरु के रहने वाले संगीतकार रिकी को उनकी एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए बेस्ट इमर्सिव ऑडियो की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्रैमी जीतने के बाद रिकी ने ट्वीट कर कहा, अभी मैंने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है, अत्यंत आभारी हूँ, स्पीचलेस हूँ, मैं ये अवार्ड भारत को समर्पित करता हूँ। बता दें, म्यूजिक एल्बम डिवाइन टाइट्स वसुदेव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज वन फैमिली को श्रद्धांजलि है। एल्बम में 9 गाने और 8 संगीत वीडियो शामिल है। ये एल्बम भारतीय हिमालय की उत्कृष्ट सुंदरता से लेकर स्पेन के बर्फीले जंगलों तक के बारे में है। एल्बम ने 2022 में ग्रैमी अवार्ड सहित दुनिया भर के विभिन्न समारोह में कई पुरस्कार जीते हैं। गौरतलब है कि संगीतकार रिकी को पहला ग्रैमी अवार्ड साल 2015 में मिला था। उन्हें ये अवार्ड विंड्स ऑफ समसारा के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में मिला था। साल 2022 में रिकी ने दूसरी बार अपनी एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में ये अवार्ड अपने नाम किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें लोकमत हिंदी।